दोस्तों, जिस दिन का इंतजार भारत को रूस यूक्रेन युद्ध के बीच था, आखिरकार वो पूरा होने लगा है। दरअसल भारत को रुपए के क्षेत्र में बड़ी जीत मिल चुकी है। रुपए अब ग्लोबल बन चुका है। अब भारत को व्यापार करने में डॉलर का मुंह नहीं देखना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया के कई देश भारतीय रुपए को अपनाने की शुरुआत कर चुके हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि अभी तक दुनिया का ज्यादातर व्यापार डॉलर में ही किया जाता है। क्रूड ऑयल का इम्पोर्ट एक्सपोर्ट भी डॉलर में हो रहा है, जिसकी वजह से पिछले कुछ सालों में लगातार डॉलर की डिमांड बढ़ रही है और इसके चलते अमेरिका की मनमानी भी बढ़ती जा रही है। डॉलर की बढ़ती डिमांड के कारण भारत पर इसका नकारात्मक प्रभाव देखने को मिल रहा है, क्योंकि डॉलर में इंपोर्ट करने से भारत को ज्यादा कीमत चुकानी पड़ रही थी, जिसकी वजह से देश में महंगाई बढ़ती जा रही थी। लेकिन अब केवल रूस ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देश डॉलर से उब चुके हैं और वह भारतीय रुपए पर शिफ्ट हो रहे हैं। और इन सभी देशों का कहना है कि वह अब भारत से डॉलर में नहीं बल्कि रुपए में व्यापार करना चाहते हैं। श्रीलंका तो ये प्लान कर रहा है कि वह अपने विदेशी मुद्रा के रूप में डॉलर की जगह रुपए को अपनाएगा। बहरहाल, किसी ने सोचा नहीं होगा कि वो भारत, जिसके पास 1991 में मात्र 89 करोड़ की विदेशी मुद्रा रह गई थी, यानी कि उस वक्त भारत के पास 2 हफ्ते के आयात के लिए ही विदेशी मुद्रा बची थी, लेकिन 30 सालों के बाद ऐसे मुकाम पर पहुंच जाएगा कि भारतीय रुपए डॉलर की जगह लेने की शुरुआत कर देगा। 1991 में भारत की जो स्थिति बनी थी, उसका असल जिम्मेदार भी उस वक्त क्रूड ऑयल था, क्योंकि खाड़ी युद्ध के चलते ऑयल की कीमतों में 3 गुना की वृद्धि हुई थी। लेकिन आज रूस और यूक्रेन के बीच में हो रहे युद्ध ने भारतीय रुपए को कमजोर नहीं बल्कि मजबूत कर दिया है। हर रोज भारत से रुपए में व्यापार करने वाले देशों की संख्या बढ़ रही है। उधर भारतीय रुपए में व्यापार बढ़ रहा है, उधर दूसरी तरफ डॉलर धीरे धीरे मार्केट से निकलना शुरू हो गया है। दरअसल जो रूस और भारत के बीच में रुपए में व्यापार का समझौता हुआ था, अब उसकी बड़े स्तर पर शुरुआत हो चुकी है। रूस और यूक्रेन के बीच में हो रहे युद्ध के चलते अमेरिका ने रूस के ऊपर स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम पर रोक लगा दी थी, जिसके बाद से ही भारत और रूस रुपए में व्यापार की तरफ निर्भर हो रहे थे। वहीं पर भारत और रूस की परिस्थितियों में भी ज्यादा फर्क नहीं है, क्योंकि कभी ना कभी भारत भी पीओके की वापसी के लिए पाकिस्तान पर अटैक कर सकता है, तो भारत पर भी आर्थिक प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। लेकिन भारत और रूस ने मिलकर डॉलर और यूरो में हो रहे व्यापार को खत्म करते जा रहे हैं। भारत से भारतीय रुपए में व्यापार केवल रूस से ही नहीं बल्कि श्रीलंका और मॉरिशस के बीच भी अब जल्द शुरू होने की संभावना है। उधर भारत से रुपए में व्यापार करने के लिए कई दक्षिण पूर्व एशियाई, अफ्रीकाई और लैटिन अमेरिका के देश भी बातचीत कर रहे हैं। नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार जैसे पड़ोसी देशों ने भी लगातार घट रहे डॉलर के चलते भारतीय रुपए में व्यापार करने की दिलचस्पी दिखाई है। वहीं पर खबरों के मुताबिक रूस के पास श्रीलंका और मॉरिशस ने भारत में लगभग 18 वेस्ट्रो खाते खोल चुके हैं। उधर आपको बता दें कि एशियाई देशों के अलावा लक्समबर्ग, क्यूबा, स्वीडन, सूडान और यूएई जैसे देश भी भारत से रुपए में व्यापार करने के लिए बातचीत कर रहे हैं। अभी तक भारत को जितने भी देशों से व्यापार करना होता था, तो सबसे पहले अपने रुपए को डॉलर में एक्सचेंज करना पड़ता था, जिसके लिए एक्सचेंज फीस के तौर पर कुछ परसेंट अमेरिका को देना पड़ता था। वहीं अब जल्द ही भारत की ये झंझट कई देशों से व्यापार में खत्म होने वाली है। बहरहाल, जिस तेजी से भारतीय रुपए का प्रसार बढ़ रहा है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो कुछ दिनों में भारतीय रुपए भी डॉलर के पैरेलल चलेगा। लेकिन दोस्तों, जब हम यहाँ पर डॉलर और रुपीस की बात करते हैं, तो हम यहाँ पर सिर्फ पेमेंट मैकेनिज्म की बात करते हैं, ना कि डॉलर और रुपए की वैल्यू के बारे में बात करते हैं। डॉलर की वैल्यू आज भी भारतीय रुपए से काफी ज्यादा मजबूत है और लगातार बढ़ते जा रही है, लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ पेमेंट मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं। लेकिन पेमेंट मैकेनिज्म के क्षेत्र में भारत लगातार डॉलर को पीछे करते जा रहा है। बहरहाल दोस्तों, बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ, और ये खबर चीन की तरफ से निकलकर सामने आ रही है। दरअसल जैसा कि हम सब जानते हैं कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर लगातार चीन और भारत के बीच तनाव बढ़ रहा है। गलवान के बाद अभी हाल ही में तवांग सेक्टर में चीन के द्वारा घुसपैठ की गई थी। उधर जब से भारत ने हिमालय के क्षेत्रों में सड़कें बनाने का काम शुरू किया है, तभी से चीन इस कदर बौखलाया हुआ है कि भारत में घुसपैठ करने की कोशिशें करने लगा। वहीं पर अभी हाल ही में जो चीन की ओर से घुसपैठ हुई थी, उसकी प्रमुख वजह भी यही थी कि भारत के सीमावर्ती इलाके में हो रहे निर्माण को चीन रोकना चाहता था। उधर अब निर्माण से जुड़ी एक और खबर निकलकर सामने आई है कि भारत की ओर से अब एलएसी सरहद के नजदीक रेलवे लाइन बिछाने की योजना बनाई गई है, ताकि चीन से कभी भी युद्ध की स्थिति बने तो भारतीय सेना को युद्ध के क्षेत्रों की ओर कम समय में स्थानांतरित किया जा सके और साथ ही युद्धक हथियारों के लिए खेप भी जल्द ही भेजी जा सके। खबरों के मुताबिक 2024 में इसकी शुरुआत होने वाली है। वहीं आपको बता दें कि 2010-11 के बीच में पहली बार रेलवे लाइन बिछाने के लिए सर्वेक्षण किया गया था, लेकिन पर्वत की जटिलता के चलते इस काम को आगे नहीं बढ़ाया जा सके। वहीं पर दूसरी तरफ चीन अपने इलाके में पहले ही रेलवे लाइन के ट्रैक बना चुका है। उधर भारत लगातार इनकी घुसपैठ से तंग आ चुका है, इसीलिए चीन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए अपनी जबरदस्त तैयारियों में जुट चुका है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। इन दोनों ही विषय पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।